कैटरीना कैफ और विकी कौशल को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स मनविंदर सिंह को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मनविंदर कैटरीना का जबरा फैन है। अब आरोपी मनविंदर सिंह के वकील संदीप शेरखाने ने यह दावा किया है कि उनके मुवक्किल ने ना तो कैटरीना कैफ को स्टॉक किया है और ना ही विकी को जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने आरोपी पर लगे सभी आरोपों को झूठ बताया है, जबकि पुलिस रिमांड कॉपी में बताया गया है कि आरोपी मनविंदर सिंह ने विकी कौशल को गन पॉइंट पर रखने और उसके रिप यानी रेस्ट इन पीस की तारीख फाइनल होने का मैसेज भेजा था। वकील ने बताया कैटरीना कैफ और उनका परिवार मेरे मुवक्किल को 3 साल से अच्छी तरह से जानते हैं। मनविंदर 2019 से कैटरीना कैफ और उनके परिवार के संपर्क में था। दोनों के बीच फोन और सोशल मीडिया के जरिए बातचीत भी होती थी। उनकी बहन आयशा से भी मनविंदर लगातार टच में था। इंस्टाग्राम से बहुत सारे कमेंट्स को कैटरीना कैफ और विकी कौशल ने डिलीट किया है सिर्फ मेरे मुवक्किल को फंसाने के लिए। उन्होंने मनविंदर सिंह के बचाव में ये भी कहा कि मेरा मुवक्किल एक स्ट्रगलिंग एक्टर है और एक ही इंडस्ट्री में होने की वजह से वो एक दूसरे को जानते हैं। बता दें पुलिस की तरफ से कोर्ट में ये दलील दी गई है कि उन्हें इंस्टाग्राम आईडी की जांच करनी है, इसलिए कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन की कस्टडी में रखने के ऑर्डर दिए थे।